तो मैं विश्व संवाद केंद्र देहरादून द्वारा पत्रकारिता, पत्र लेखन, पत्रिका प्रकाशन, सोशल मीडिया प्रशिक्षण, विचार गोष्ठी जैसी कई गतिविधियों का नियमित संचालन हो रहा है। बता दें कि पाक्षिक पत्रिका हिमालय हुंकार उत्तराखंड राज्य के लगभग 4000 गांव में नियमित रूप से जाती है। वह पत्रिका के मेरा भारत और मैं विशेषांक का लोकार्पण समारोह देहरादून के साई इंस्टीट्यूट में रखा गया, जिसकी अध्यक्षता साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष हरीश अरोड़ा ने की। बता दें कि समारोह के मुख्य अतिथि अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रख्यात पर्वतरोही और पर्यावरणविद डॉक्टर हर्षवंती विष्ट रहे। वही समारोह में मीडिया को लेकर सकारात्मक प्रोत्साहित किया गया। तो विश्व संवाद केंद्र देहरादून द्वारा पत्रकारिता, पत्र लेखन, पत्रिका प्रकाशन, सोशल मीडिया प्रशिक्षण, विचार गोष्ठी जैसी कई गतिविधियों का नियमित संचालन हो रहा है। आपको बताते चले कि पाक्षिक पत्रिका हिमालय हुंकार उत्तराखंड राज्य के लगभग 4000 गांव में नियमित रूप से जाती है। वहीं पत्रिका के मेरा भारत और मैं विशेषांक का लोकार्पण समारोह देहरादून के साई इंस्टीट्यूट में रखा गया, जिसकी अध्यक्षता साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष हरीश अरोड़ा ने की। विश्व संवाद केंद्र लेखकों में, पत्रकारों में, पत्रकारिता के छात्रों में, बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में काम करता है और देश भर की सभी राजधानियों में इसके केंद्र हैं। देहरादून में भी इसका केंद्र है। समय समय पर बुद्धिजीवियों की गोष्ठियाँ, पत्रकारिता के प्रशिक्षण, पत्र लेखक मंच, टीवी श्रोता मंच, इस तरह के आयोजन हम लोग करते रहते हैं। मुझे लगता है ये हिमालय हुंकार का जो अंक है, ऐसे अंक अलग अलग पत्रिकाओं में, मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी एक आवश्यकता है। इस देश में विभाजनकारी चीज़ों के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, फॉल्ट लाइंस पर बहुत सारे काम हो रहे हैं, मीडिया में कार्यक्रम भी बन रहे हैं, मगर इस समाज के सामने जो चुनौतियाँ हैं उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा। आज अगर दुनिया का सबसे युवा देश ये है तो इस युवा की ताकत को जगाकर उसे सकारात्मक दिशा के